1000 टका में हम लोग कितनी शॉपिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्तों वाणी वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज सुबह अभी 12 बजे मैं उठ गई थी और अभी बज गए हैं 1, क्योंकि आर्यन को देखना था। फिर नाश्ता वाश्ता किया, चाय पी के फ्रेश होके अभी मैं आ गई हूँ। और आज अचानक से ना ठंड भी आ गई है, तो ठंड के कपड़े वपड़े भी निकालते हैं और विंटर को ना वेलकम करते हैं। हाँ, क्या है? छत पे क्या है आपके लिए स्पेशल सरप्राइज? चलो दिखाओ कौन सा सरप्राइज लेके आया है। मोन, क्या है ये? स्वीट पोटैटो। ऐसे कैसे हो गया स्वीट पोटैटो? तो जब हम उस दूसरे रूम में थे ना, तब ये स्वीट पोटैटो था। और फिर हम इस रूम में आ गए, इतना बिजी हो गए, याद नहीं था पोटैटो पड़ा है रूम में, और पूरा फंगस लग गया। तो फ्रेंड्स, आई एम रेडी। और इमोन जो है वो नीचे चला गया, अभी मैं भी नीचे जा रही हूँ। क्या क्या लेना है देख लूँ, मोबाइल लूँगी, कैमरा लूँगी और बाकी और कुछ नहीं। मुझे और किसी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले टाइम में मैं सोचती थी ये लूँ, अभी सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती है जो मैं लेती हूँ, बाकी सारे ही वो ले लेता है। तो सबसे पहले ये बहुत सारे कपड़े हैं, 3 सूट हैं, ये हम लेंगे दर्जी के पास, लेके जाएंगे माँ के हैं, क्योंकि माँ को दर्जी की सिलाई पसंद आई थी। और नीचे देखो इमोन क्या कर रहा है, उसका बैग भी मैं ही लेके जा रही हूँ, चला गया नीचे। इमोन को ढूंढ ढूंढ के थक गई, एक तो इमोन का बैग ढूंढ ढूंढ के थक गई, फिर इमोन को ढूंढ ढूंढ के थक गई, नीचे आ गया था। क्या कर रहे थे यार? हमारे घर के साइड में वॉल तोड़ के नए से वॉल बनाया, प्लास्टर, उधर पानी देना पड़ता है। तो फिर पानी देने के लिए आए थे। मैं सोच रही हूँ आज क्यों ना कोई चैलेंज कर लूँ, 1000 टका में हम लोग कितनी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं देखूँगी, उनसे कम भी करवाऊँगी, क्या क्या कर, क्योंकि 5000 में तो वो कोई भी शॉपिंग कर लेगा, लेकिन स्ट्रीट शॉपिंग 1000 टका में यार एक चैलेंज होगा ना, कि हमारे पास कितना आइटम आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कम है, ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। ठंडा ठंडा मौसम आ गया आज। इमोन, तुम्हें ठंडा नहीं लग रही? बहुत ठंडा लग रहा है, मिस्टेक कर लिया। लग रही है ठंडा? और तो जैकेट तो लेके आया। 1000 टका के चैलेंज में से मेरे से भी कुछ लेना पड़ेगा। 1000 टका में इमोन का भी एक जैकेट ले लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा था, रोड कितना साफ़ सुथरा है, इतना बड़ा बड़ा रोड, रिक्शा की राइड तो मज़ा ही आता है। तो अभी मैं फाइनली इस मार्केट में आ गई हूँ जहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, और इधर आके ही मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं तो हर जगह चली जाती हूँ। इमोन ये देखो आर्यन के लिए, ये देखो तुम्हारे लिए, ये देखो माँ के लिए, ये अब्बा के लिए, ऐसे ऐसे करके मुझे ना बस दिल करता है कि हर एक चीज़ ले जाऊँ। यहाँ पर ना मैंने चैलेंज करने का सोचा है कि मैं जो 1000 है ना बांग्लादेशी प्राइस, 1000 पैसा, उसका ना सामान लूँगी और देखते हैं उस 1000 में हम कितना सामान ले पाते हैं। ये आर्यन के लिए मुझे बहुत क्यूट लगा, मिनी, लेकिन बहुत छोटा है आर्यन से भी। और ये देखो H&M की ब्रांड है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या मज़े की चीज़ है, यहाँ पे सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, जो कि ना मतलब कुछ भी थोड़ा सा डिफेक्ट होता है या क्या तो वो लोग इधर आके सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हर किसी के कपड़े मिलते हैं। मुझे ना वेस्टर्न स्टाइल कपड़े बहुत पसंद है पहनना, तो कोरिया में तो मैं बहुत ईजिली ख़रीद लेती थी, लेकिन यहाँ पर ना मुझे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए मुझे इस जगह पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे मिल ही जाते हैं। तो मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग देख ही लो, ये वेस्टर्न शर्ट्स हैं तो अच्छी प्राइस के होते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। और यहाँ पे चलते चलते मुझे ना दिख गया कब्रिस्तान, तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और बस यही सोचा कि एक दिन हम सबको इधर आ ही जाना है, तो क्यों ना बस सबसे अच्छे से रहें, खुशी से रहें, और खुश रहो, खुश रहने दो। बस ये देखो आपकी बहन सादिया ने इतनी शॉपिंग कर ली, और क्या शॉपिंग की, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइस। बट बिफोर दैट इमोन इज़ गोइंग टू बाय क्या, सब्जी ले रहा है, और गोभी। हम लोग सोच रहे हैं कि ना गोभी के पराठे बनाए घर जाके, तो गोभी शॉपिंग कर रहे हैं इधर। और उसके अलावा इमोन का दोस्त मिल गया यहाँ पे स्कूल का, मुझे लगा सब्सक्राइबर मिल गया है हमारा, लेकिन फिर पता चला कि ना वो स्कूल का फ्रेंड है इमोन का, बचपन का, उन्होंने ना इमोन को पहचान लिया, फिर इमोन और वो बातें करने लग गए और मैं बैठ के इधर उधर देख रही थी। क्या बोलते हैं इसको?
तो हम ना यहाँ पे फुचका खाने आ गए। ये बांग्लादेशी गोलगप्पे हैं और पानी पूरी भी बोल सकते हो, दो डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे मिलते हैं। और जब भी मैं यहाँ पे खाती हूँ ना, मैं स्पेशली ये चीज़ इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मेरी पाकिस्तानी अम्मी ना, उनको ये बहुत पसंद है देखना। तो जब भी अम्मी को मैं बांग्लादेश बुलाऊँगी ना घूमने के लिए, तो मैं अम्मी को ये ज़रूर खिलाऊँगी क्योंकि अम्मी बोलती है कि ये ना बहुत डिलीशियस दिखता है। तो मैं बोलती हूँ खाने में भी मज़े का है अम्मी, बहुत। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और ये जो कपड़े हैं ना, ये अभी माँ को दिखाऊंगी और देखेंगे माँ को पसंद आते हैं कि नहीं आते। 1000 में हमने ये सारे कोशिश किया है लेने की, बहुत बहुत सस्ता भी कराया और हमेशा इतना सस्ता मिलता नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी हैरान हो जाओगे कि मैं कैसे ये कपड़े लेके आई हूँ और मेरे चैलेंज जो है वो भी कम्प्लीट किया। ये अभी माँ के लिए लिया है, मेरे लिए, इमोन के लिए और आर्यन के लिए। तो चलो ना इसको देखते हैं। मैंने सोचा था 1000 में ये सारे कपड़े लूँगी, लेकिन ये सारे कपड़े आ गए 1400 में। 1000 नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया था, तो अच्छा अच्छा क्वालिटी लग रहा था ना, इसलिए मैंने ले लिया। तो सबसे पहले हमने माँ के लिए क्या लिया है, वो माँ आज के चैलेंज लो, 1000 में कोतो कपड़ा ली वो तो 1400 में सब लिया है। तो सबसे पहले माँ का विंटर के लिए, कोई भी देखे नहीं अभी, एक देखे वीडियो तो ली नहीं। तो ये माँ के लिए है, कहाँ गया, ऐसे 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 इंटरनेट में मिल जाएगा, कोई ना कोई कंट्री का ब्रांड होता है, डिफरेंट डिफरेंट। शर्ट ना साइज में इतना है ऐसे, माँ पूरा हो गए ना, कपड़ा सॉफ्ट 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 कपड़ा। ये वाला मिला है 200 का। और फिर मुझे चलते चलते बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट दिखी, ये वाली पिंक कलर की, माई को भलो ना, डिजाइन भी अच्छी है और कपड़ा भी अच्छा है यार। नॉर्मली तो ये बहुत ही महंगे मिलेंगे, उधर से सस्ते में मिल गया। एक ये कलर और एक ना सेम ही स्टाइल कलर, हाँ और ये BTS कलर, सुंदर पर्पल कलर है। देखो विंटर को आने तो फिर हम पहनेंगे, स्टाइल मारेंगे बांग्लादेश में। तो ये रहा पर भलो इसे ना, ना ना भलो इसे। ये दोनों जैकेट जो है ना 250 के थे, 250 था महंगा, किंतु कम कराया, कम करो बोल बोल के, फिर नहीं लेंगे ऐसे से आगे निकल गया, फिर पीछे आया, जैसे बचपन में हमारी अम्मिया करती थी। हाँ बार्गेनिंग बहुत की। और ये शर्ट लिया है उसके लिए, नॉर्मली विंटर है ना, किंतु मेज है, जीन्स के साथ ये वाला शर्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये के और एक ये तो अब्बा की जैसा है ना शर्ट अब्बा और मैं एक साथ पहनूंगी माँ ने देखो इसका पकड़ लिया मिस्टेक, इसका ना बटन टूटा हुआ है, तो बटन इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये हमें कितने का मिला था, आई थिंक 100-100 का। असल में सारी चीज़ें 100, 150, 200 इतने तक की मिल रही थी, तो प्राइजेस ना हमारे दिमाग से निकल गई क्योंकि जितने का था उससे हम कम कराते गए ना, तो ऐसे ऐसे करके याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन 150, 200, 250 इतने में ही सारे आ गए। अभी मैं आपको सबसे क्यूट जो सामान दिखाती हूँ वो है आर्यन का ड्रेस, माँ स्वेटर आर्यन का, गेस करने के लिए बोलूँगा। ये देखो माँ एक तो महत्व बोलेगी 50 का छोटा है, 100 का। और ये हमने लिया है हुडी माँ, ये तो आपका, ये मेरा, ये मेरा इमोन और मेरा मैचिंग का विंटर है, जुन्नो अभी हमारा ना ऑफिस वर्क स्टार्ट है शाम के टाइम से, तो डेली शाम को मैं, इमोन, आर्यन और बेबी कोट और मैगी, हम सब इस रूम में आ जाते हैं, चाय वाय भी इधर पीते हैं, कॉफी पीते हैं। और अभी काम स्टार्ट करूंगी, पहले सबसे पहले इसको सेट कर लूं, इसको फीडिंग वगैरह करा ली, ये सेट करके इसको यहाँ सुलाऊंगी। नीचे चले गए, मैं भी नीचे जा रही हूँ, काम जितना कर पाया उतना किया, बाकी अभी थोड़ा सा खाए पी लिए, कल पाए पकाए थे तो वो पाए अभी तक पड़े हुए। राना भाई फिर से लेके आए हैं नान, तो नान के साथ पाए करके। और अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, मैं तो डेट टाइम क्या है, 8 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर खा पी के, फिर कॉफ़ी पी के, और फिर मैं क्या करूँगी, घर बात करूँगी,
ऐसे ऐसे करके स्केड्यूल करती हूँ, लेकिन कभी भी टाइम पे कुछ कर नहीं पाती हूँ, पूरा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो चलो आज का दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा गुजरा। नॉर्मली जब खरीदने जाते हैं क्या, तो हम लोग इतना मतलब हिसाब किताब नहीं रखते हैं, लेकिन जब चैलेंज आ जाता है या कभी सोचते हैं ना कि मुझे इतने पैसों में इतनी ही चीज़ खरीदनी है, तो वो चीज़ बहुत टफ हो जाती है। लेकिन उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हर जगह बहुत कम करवाऊँ, डिस्काउंट करवाऊँ, ऐसे कर करके रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत बहुत अच्छे कपड़े मिल गए। बस अभी इनको धो धो के कैबिनेट्स में सजा देंगे, फिर विंटर का वेट करेंगे जब तक पूरा अच्छा सा ठंड है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं होती मुझे पता है बांग्लादेश में तो। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि विंटर आ रहा है, तो विंटर की तैयारियाँ पहले से ही शुरू कर दें। और फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय बाय। बिग बॉस देखेंगे थोड़ी देर में, बाय।